ओल्ड सिटी एरिया और जमशेद टाउन में लगभग 200 इमारतें मखदूश हैं। ये नौरोज कबल मूसा लेन में मुनदिम होने वाली इमारत के करीब वाके दीगर इमारतों के मनाजिर हैं। सीढ़ियों पर प्लस्तर उखड़ चुका है और सरिये नजर आ रहे हैं। मजीद फ्लोर की तामीर के लिए तैयारियां भी जारी हैं। DCO कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला मखदूश इमारतें गिराने जाता है तो मुजाहमत होती है। कमजोर फाउंडेशन पर तामीरात शहरियों की गलती है। ग्राउंड प्लस 3 की परमिशन है, फिर उस पर 4 मंजिल बना ली, फिर उसके 2 साल बाद फिर 1 मंजिल बना ली है, फिर 1 मंजिल बना ली है, 6-6, 7-7 मंजिल बना ली है उस स्ट्रक्चर पे कि जिसको 3-4 मंजिल का स्ट्रक्चर या उसका फाउंडेशन है, तो ये खुद अपने साथ भी जुल्म है। मूसा लेन के मकीनों के मुताबिक यहाँ रहने की वजह कम कीमत पर मकान मिलना है। मुतालिका इदारे पैसे लेकर गैर कानूनी तामीर की इजाजत देते हैं। नाकारा बिल्डिंग है, बिल्कुल नाकारा है, ये गवर्नमेंट के भी नॉलेज में, इनके पास लिस्टें भी बनी हुई है, मगर अमल कौन करेगा, सारा चक्कर है पैसों का। दूसरी जगह तो आजकल चारों तरह हालात सही नहीं है, ये मुसालेन का हालात जो है ना अभी भी सही है इनके बनस्बत। और दूसरा ये हमारा पुराना जगह, इसको हम छोड़ दे, ताला लगा दे तो हमारा हाथ से निकल गया जगह। शहरियों का कहना है कि इमारत गिरने के किसी वाक्य के बाद मखदूश इमारतों की फहरिस्तें जारी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें गिराया नहीं जाता। 2 इमारतों को मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया है, लेकिन ऐसी सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं जिन्हें मखदूश तो करार दिया गया है, लेकिन वहाँ शहरी पुरखतर हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन नुमान मसरूर के साथ असलम खान, दुनिया न्यूज़, कराची।